हेलो दोस्तों, मैं उत्कर राजपुत्र, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जिससे कि आप सभी परेशान रहते हैं कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं, आपके कोई भी असाइनमेंट वगैरह की आप पीडीएफ फाइल बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। आपको किसी भी फोटो वगैरह क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली स्कैन करके यहाँ से आप पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट जिसको भी आपको टीचर वगैरह ऑफिस वगैरह किसी भी वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो गाइज, आपको आज ऐसी सिंपल आसान ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको फ्री में आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी सीएससी जनसेवा केंद्र वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, वीडियो में बन रही है एंड तक, एक भी स्टेप स्टिप मत करना क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। शुरू में मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या कुछ करना है, उसके बाद में आपको बता दूंगा आपको एप्लीकेशन कौन सी डाउनलोड और कहाँ से करनी है, और बिल्कुल ईजिली ये सब हो जाएगा। क्योंकि गाइस, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कॉलेज टाइम में, ऑफिस टाइम में, आपको कहीं पे भी अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह क्रिएट करनी है तो आप सिंपली उसको स्कैन करोगे, फिर उसको अपने मोबाइल में डलवाओगे, फिर उसके बाद इसकी पीडीएफ बना के सेंड करोगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप सिंपली अपने मोबाइल से ही आप अपनी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। साइड में मोबाइल स्क्रीन भी दिखती रहेगी और मैं भी दिखता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, छोटा भाई समझ के कर लेना, कुछ भी समझ लेना पर कर लेना। तो गाइज, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आपको सिंपली यहाँ से अपने एप्लीकेशन को साइन इन कर लेना है, अपने गूगल अकाउंट से आप इसको साइन इन कर लेना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आपको साइड में भी दिख रहा होगा। तो सिंपली आप पर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, अपना जन्म ईयर डाल के, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इतना डालने के बाद ये अभी ओपन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या कुछ और कैसे करना है। तो गाइज, यहाँ पर हमारा जो एडोबी स्कैन है वो सक्सेसफुली जो है ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पर लेस गो पर क्लिक करना है और आप यहाँ से आपको जो भी परमिशन मांगी जाए आपको सिंपली वो दे देनी है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि मेरे पास ये फाइल है, ठीक है, अगर मुझे इसके सारे पेज आपको वो करने हैं तो आपको सिंपली आप एडजस्ट करिए अपने अकॉर्डिंग और सिंपली यहाँ से पिक्चर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से अगर एक ही है आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अगर इससे अलावा कोई और लेना है, कोई और पिक्चर लेनी है, कीप स्कैनिंग कर देना है और आप सिंपली फिर से आपको ले लेनी है। उसके बाद आप फिर से कीप स्कैनिंग करके फिर से आप कोई भी फ़ोटो वगैरह आप जितनी चाहो मैक्सिमम फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कीप स्कैनिंग कर देनी है। उसके बाद आपको सिंपली जो भी फ़ोटो लेना है आप उसको फिर से ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये ले लिया। और इसके बाद अगर आप इसको आपका कोई फ़ोटो जैसे कि ये ख़राब आ चुका है तो यहीं से आप रीटेक भी आप इसका कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को इसका रीटेक लेना है तो मैं सिंपली इसका रीटेक फिर से ले लेता हूं और यहां से कीप स्कैन कर देना है। कीप स्कैन करने के बाद सिंपली आपको आपके जो साइड में फ़ोटोज़ वगैरह दिख रहे हैं आपको उनके ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ से इनको देख लीजिए। तो गाइज, कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई है। ये ऑटो आपकी जो आपकी डल फोटोज़ वगैरह को ऑटो ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर देता है फुल। देखिए गाइस, अभी आपके सामने ही दिख रहा था आपको कैसी फ़ोटोज़ आ रही थी, अभी देखिए आप बिल्कुल A1 क्वालिटी में आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेव PDF का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आप इसमें से कोई फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट करना चाहते हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। आपको सिंपली उसको ऊपर लाना है, जैसे कि मेरे को ये वाला डिलीट करना है तो सिंपली आप डिलीट उस पेज को कर सकते हैं। क्लिप वगैरह आप इसको यहाँ से एडजस्ट, रोटेट, क्रॉप वगैरह भी आप यहीं से इसको कर सकते हैं। आपका सारा काम कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपको इसको यहाँ से सेव PDF पर क्लिक कर देना है। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा गाइज, आपकी यहाँ पर PDF बनकर रेडी हो चुकी है। आपकी जो भी PDF है वो बनकर रेडी हो चुकी है, आप अपनी गैलरी में जा करके उसको कहीं पर भी शेयर वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मेरी PDF बनकर यहाँ पर
रेडी हो चुकी है, मैं इसको खोल कर भी देख सकता हूँ, ओपन कर कर देख सकता हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो यार गाइज बाय बाय।